तो गाइस अभी हम हैं देवी डांड जा रहे हैं और ये हमारा आकर्ष और अभी ये इसके जूते के अंदर कुछ घुस गया है और इसकी दादी और मम्मी काफी आगे चली गई हैं और ये पूरा प्रकृति का सौंदर्य आप देख सकते हैं। बांझ के पेड़ हैं और जहाँ बांझ के पेड़ होते हैं वहाँ पानी का स्रोत अपने आप ही निकल आता है और काफ़ी ठंडा पानी होता है और अभी ये देख सकते हैं दोस्तों। और आप क्या करना चाहेंगे, कुछ कुछ, नहीं, कुछ नहीं।, नहीं कुछ तो कहना चाहेंगे, अपने नहीं, अपने चाहने वालों को क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, नहीं, कुछ नहीं। अक्सर आप देखते रहते होंगे इससे को यूट्यूब पे, इसका अग्रीमेंट किसके साथ में है? कविता भट्ट ऑफिस। कविता भट्ट के साथ। अच्छा, तो भट्ट ऑफिशियल के साथ एग्रीमेंट हो रखा है आपका? हाँ। तो इनका एग्रीमेंट है, ये यूट्यूबर है ये, और इसके अभी चल रहे हैं अभी। तो गाइज जैसा कि आपको पता है हम अभी आज मंदिर आ रखे हैं देवी डांडा और पूरा बांझ का जंगल है, बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल एसी भी फेल हैं इन जंगलों के बीच में और यहाँ पर, और इनका जो इनकी जो जड़ों का पानी है काफ़ी शीतल पानी यहाँ से निकलता है। और आप देख सकते हैं कि हम मंदिर पहुँच गए थे लेकिन प्रसाद जो है हम अपनी गाड़ी में ही भूल गए, और मेरे साथ में हैं आपके जाने माने चेहरे, क्या नाम है? आकर्ष भट्ट। तो अभी क्या बोलना चाहेंगे आप अपने चाहने वालों को? मैं बोलना चाहूंगा कि अभी हम अपना प्रसाद भूल गए हैं इसलिए वो कितना नीचे है, कैमरामैन दिखाइए। अच्छा, तो उधर उधर वो वहाँ पे, वो वहाँ पे जहाँ गाड़ी दिख रही, जहाँ रोड पे। तो और क्या कहना चाहेंगे आप? और तो कुछ नहीं कहेंगे, हैं अभी आप लीजिए जी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? हमको तो बहुत गंदा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा, और ये थकने वाले नहीं है आज, मैंने तो इनको बोला था लेकिन ये लड़का। तो दोस्तों नमस्कार, और अभी मैं पहुंचा हूं यमकेश्वर विकास खंड के अंतर्गत माँ श्याम सिंदूरी के सिद्धपीठ देवी डांड, और वाकई बहुत ही रमणीक स्थान है, जैसा नाम है देवी डांड। डांड हमारे उत्तराखंड की भाषा में जो सर्वोच्च ऊपर स्थान होते हैं उसको डांड कहा जाता है, और मैं भी पहुंच गया हूं देवी डांड, और अंदर अभी पूजा अर्चना चल रही है, आरती चल रही है, और मैं आपको यहां से देवी डांड से प्रकृति का सुंदर नज़ारा दिखा दूं दोस्तों। ये पूरा देवी डांडा, और यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ, और हमारे साथ में हैं जाने माने चेहरे आदर्श भट्ट, और ये हवन कुंड है, और पौराणिक सिद्धपीठ माता श्याम सुंदरी देवी मंदिर देवी डांडा, और मैं पहुँच चुका हूँ दोस्तों देवी डांडा में, यहाँ पर पूजा चल रही है और भक्तजन यहाँ पर आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं मैं आपको मृतक दर्शनों का होते हैं तब तक मैं आपको, और ये मंदिर के संरक्षक और जिन लोगों ने सहयोग किया उन दानदाताओं का नाम, और इनके नाम भी बहुत ज़रूरी है आप तक पहुँचाने, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो हर समय अपने इन पौराणिक सिद्ध पीठों के संरक्षण के लिए सहयोग करते रहते हैं। और ये यहाँ पर जो भी भक्त आ रहे हैं मन इच्छा फल हमेशा लेके जाते हैं दोस्तों।
नमस्कार। और अभी मैं हूँ देवी डांडा और प्राचीन सिद्धपीठ माँ श्याम सुंदरी के मंदिर में। और हमारी माताजी और श्रीमती जी मंदिर का दर्शन करके आते हुए, और हमारे आकर्ष भट्ट भी मेरे साथ आ चुके हैं। और प्राचीन सिद्धपीठ है दोस्तों, और मन इच्छा फल यहाँ पर मिलता है। जो भी भक्त यहाँ पे आया है कभी खाली नहीं गया। और ये बहुत ही प्राचीन सिद्धपीठ है, और यहाँ का प्राकृतिक सुंदरता भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल ये बांज के पेड़ है दोस्तों, बांज। और माँ श्याम सुंदरी के दरबार में आज माथा टेकने आया था। और वो सामने अगर मैं जूम करूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हरिद्वार पतित पावनी गंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं बहती हुई। और हमारे और ये सामने, वो सामने आप देख सकते हैं ये महाबगढ़ सिद्धपीठ, और ये पूरा बांज का जंगल। और बिल्कुल हम टॉप पे खड़े हैं दोस्तों, और इसके दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा रिखेड़ा भंचूरी। और यहाँ पे है माता श्याम सुंदरी का प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर, जिसके हम अभी दर्शन करके आए थे। और यहाँ पर बहुत नवरात्रों में बहुत बढ़िया मेला लगता है, काफ़ी भीड़ होती है, और बहुत ही बहुत बड़ा मैदान। और इस तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं इतनी हाइट पे हूँ कि सामने अगर जूम करके देखेंगे तो शायद ये ऋषिकेश से भी आगे की जो पहाड़ियाँ हैं टिहरी गढ़वाल की, और माता कुंजापुरी। तो दोस्तों नमस्कार। और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं प्राचीन सिद्धपीठ माता श्याम सुंदरी के दरबार से मंदिर में दर्शन करके आ रहा हूँ। और ये जो काफ़ी अच्छा रास्ता और प्रकृति की सुंदरता के बीच और बांज बुरांस के जंगलों के बीच से ये रास्ता, और बांज की जो जो हवा है काफ़ी ठंडा माहौल इतने ऊपर टॉप पर भी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे थे देवी डांडा, और देवी डांडा हमारे पहाड़ में, डांड का मतलब होता है कि जो स्थान ऊंचाई पर होता है। और हमारे साथ में हमारी श्रीमती जी भी हैं। और कैसा लगा आपको मंदिर में? बहुत बढ़िया है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और क्या कहना चाहेंगे आप भक्तजनों से? कि भक्तजनों से कहना चाहूंगी कि आप लोग भी एक बार जरूर यहाँ आए माता के दर्शन करने के लिए। प्राचीन सिद्धपीठ है ये, माता का मंदिर है दोस्तों। ये डांडा है, डांड का मतलब काफी हाइट पे होता है डांड, जो हमारे पहाड़ में होता है। और अभी हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं।